हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हमारे साथ है लूसी और इनके बालों में काफ़ी सारे नॉट्स लग गए हैं, जिसके लिए आज हम इन दो गैजेट का इस्तेमाल करके उनके बालों के जो नॉट्स है उसको निकालने वाले हैं। तो दोनों इन दोनों टूल का इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से, चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो, चाहे सिल्जू हो, लासा हो या लॉन्ग फर वाले कोई भी डॉग ब्रीड हो, अगर उनके बालों में नॉट्स लगने की शिकायत होती है तो हम इन दो टूल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से किसी भी तरह का नॉट्स निकाल सकते हैं। अब नॉट्स क्या होता है दोस्तों, क्या जो हमारे डॉग होते हैं, जो लॉन्ग फर वाले डॉग ब्रीड होते हैं, उनके बालों में जब नॉट्स लगता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जो नॉट्स लगने की वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमारे पास या तो दो ही ऑप्शन बचता है, या तो हम उनके बालों को ट्रिम करा दें, पूरी तरह से ज़ीरो करा दें, जिसके बाद आपको आप जानते हैं कि डॉग बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखने लगते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है उनके बालों को डेली कॉम करें, लेकिन डेली कॉम करने में भी कई बार जो होता है वो नॉट्स निकलते नहीं। तो आज हमारे पास है ऐसे दो टूल जिनका इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से किसी भी डॉग ब्रीड का नॉट्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक है मेरे पास डीमेटिंग कॉम और दूसरा है स्लीकर ब्रश। स्लीकर ब्रश के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं एज अ कॉम, रेगुलर कॉम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये जो डीमेटिंग कॉम है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ। डीमेटिंग कॉम के अंदर एक शार्प ब्लेड्स होती है, अंदर जो होता है ना एक शार्प ब्लेड्स होते हैं, तो जब हम अपने डॉग पर इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ब्लेड्स होते हैं वो उस नॉट्स को काट देते हैं, जिसके बाद जो नॉट्स होते हैं वो कटने के बाद फिर उसके ऊपर हम जब इन स्लीकर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉट्स जो काटा हुआ होता है वो इस ब्रश के थ्रू बाहर निकल जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके भी बताऊंगा कि कैसे आप सेफली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूसी के ओनर भी हमारे साथ मौजूद है और हम उनके सामने इसके जो कॉम करने वाले हैं, डीमेटिंग कॉम का इस्तेमाल हमें पहले करना है, उसके बाद हमें स्लीकर ब्रश का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको यूज़ करके भी बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल हमें करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लूसी का जो बाल है वो नीचे की तरफ है, तो हमें श्योर करना है कि जो हम डीमेटिंग कॉम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो उसी डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि बाल खींचते भी हैं और हमारे जो डॉग होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर जो बालों का जो डायरेक्शन है हमें उसी डायरेक्शन में इस डीमेटिंग कॉम का इस्तेमाल करना होता है। सपोज़ जैसे अभी बाल इस तरफ है तो हमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो जो इनके नॉट्स लगे हुए बाल है ओके किस तरह से कट कट कर हमारे जो डीमेटिंग कॉम है उस पर ये लगते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें पूरी बॉडी पर इसे रोल करना होता है, बट सेंसिटिव पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, तो आपको सेंसिटिव पार्ट पर थोड़ा सा संभाल कर इसका इस्तेमाल करना होता है। आँखों के पास और मुँह के पास थोड़ा सा आपको संभालना होगा। उसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिंपली स्लीकर ब्रश का इस्तेमाल करना है, जिसमें पुश बटन भी होता है जैसे कि आप देख पाएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करके जो इसके अंदर के जो भी नॉट्स जो टूटे हुए हैं, जो बाल एक्स्ट्रा डिटैंगलिंग हुए हैं, उसको आप इस स्लीकर ब्रश के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एज अ कॉम ही इसका इस्तेमाल करना है और सेम डायरेक्शन की जैसे इस्तेमाल करना है जैसा कि आप करते हैं। He threw it 10 meters. That's wrong. Did he? Yeah. What? He took it in the back. He went with it. It's pumped. Oh, I'm a bit when I can feast it.
ऐसे आप बड़ी आसानी से जो अपने जो डॉग होते हैं अगर उनके बालों में किसी भी तरह का नॉट्स लगता है तो आप इन दो टूल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उनके नॉट्स को निकाल सकते हैं।